Hello everyone. So in continuation of menopause series, I shall be talking today on diet in menopause. I am Dr. Kanchan Malik, MD Mangalam Hospital, Meerut. So जैसा मैंने बताया आपको कि menopause के सारे symptoms estrogen की deficiency से होते हैं. तो estrogen आप कैसे diet में ले सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. ईस्ट्रोजन एक तो तरीका है कि आप मेडिसिन के रूप में लें, जिसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, जिसके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट के लिए सेफ़ नहीं है, आपके यूट्रस की लाइनिंग के लिए सेफ़ नहीं है, और प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए अगर ईस्ट्रोजन लिया जाता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस के कैंसर को डेवलप कर सकता है. तो हम ऐसी क्या डाइट लें जिससे हमें ईस्ट्रोजन मिलता रहे और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो. ईस्ट्रोजन कई पदार्थों में डाइट में भी मिलता है, और थोड़ी सी समझदारी से हम ईस्ट्रोजन अपनी डाइट में बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं. कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिन्हें फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं. फाइटो मीन्स प्लांट और ईस्ट्रोजन. तो जो ईस्ट्रोजन का सोर्स प्लांट्स में होता है उन्हें फाइटो ईस्ट्रोजन्स कहते हैं. फाइटो ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा सोया में मिलता है. सोया के बने हुए पदार्थ, चाहे आप सोया आटा खाएं या सोया की बड़ी खाएं, नगेट्स खाएं या टोफू खाएं या सोया मिल्क लें, इसमें ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है. और सबसे इजी तरीका डेली ईस्ट्रोजन मिलने का सोया के द्वारा ये है कि आप अपने जो भी वीट फ्लार खाते हैं उसमें 10:1 के रेशियो में अगर सोया फ्लार ले लें तो आपको डेली ग्रेजुअली सोया मिलता रहता है और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती है. बल्कि ये चीज़ आपको 40s में आने पे ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ना कि जब आपके सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स स्टार्ट हों तब करें. जिस समय पे ईस्ट्रोजन बॉडी में डिक्लाइन हो रहा है उसी समय ही ईस्ट्रोजन डाइट में इतनी मात्रा में आ जाना चाहिए कि आपको ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं हो. जिमीकंद में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन मिलता है. फ्लैक्स सीड्स में भी ईस्ट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है. और जो आपके वेजोमोटर सिम्टम्स हो जाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्प करते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में लें. एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी डीप कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलता है. तो जितने डीप कलर्ड फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में बढ़ा देना चाहिए, जैसे बेल पेपर्स, पपाया और स्ट्रॉबेरीज़ एंड ऑल फ्रूट्स. ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स आर हेल्पफुल एंड दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. इसी तरह से क्योंकि आपके बोन्स का प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम इंक्रीज करना है. कैल्शियम में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं, चाहे आपको कर्ड, छाछ, मट्ठा, दूध किसी भी रूप में लें, लेकिन अपनी डाइट में आपको कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट कर देना चाहिए. ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी का सबसे मेन जो सिम्टम है वो है ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड ड्राइनेस ऑफ योर वजाइना. सो आपको इसके लिए बहुत अपने को हाइड्रेटेड रखना है. 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और आपके ब्रेन सेल्स भी हाइड्रेटेड रहती हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन फॉगिंग हो जाती है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से. तो अगर आप अपने को हाइड्रेटेड रखते हैं तो आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहती है और आपकी ब्रेन सेल्स भी हाइड्रेटेड रहती हैं. अपनी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ा दें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दें, क्योंकि इसमें फैट इंक्रीज़ हो जाता है मेनोपॉज में. और फैट की थ्योरी ये बोली जाती है कि फैट अधिकतर लोअर पार्ट में इंक्रीज़ हो जाता है, एब्डोमेन और थाइस की तरफ. ऐसा बोला जाता है कि फैट जो है वो एक ईस्ट्रोजन, माइल्ड ईस्ट्रोजन प्रोडक्टिव है. तो अगर फैट इंक्रीज़ होता है तो बॉडी का एक ये पॉजिटिव रूल है कि फैट से ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन मिलता है, इसलिए फैट बढ़ जाता है. तो आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट्स का इंटेक कम कर देना है
और प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ा देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम कर देने हैं क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो आपके वेट गेन बढ़ जाता है कार्बोहाइड्रेट से। इट डजंट मीन कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएं नहीं, रोटी बंद कर दें, बट यू हैव टू बी वेरी मच बैलेंस्ड एट मोर इन प्रोटीन्स एंड लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। So these are the few things which you may take care in your diet and may increase the estrogen levels in your body, and use your wisdom and age gracefully in menopause. Thank you very much.